दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जैसे कि भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाएं हमेशा से एक विवाद का विषय रही हैं, वैसे ही पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाएं और कहानियां भी हमेशा से विवाद का विषय रही हैं। इन पर विश्वास करने और ना करने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास अपने अपने तर्क हैं। यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम तीनों धर्म पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते हैं, जबकि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की याद बहुत ही कम लोगों को रह पाती है, इसलिए ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सामने आती हैं। पुनर्जन्म की घटनाएं भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती है। पुनर्जन्म के ऊपर अब तक हुए शोधों में दो शोध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर आयन स्टीवेंसन का, जिन्होंने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब री इनकारनेशन एंड बायोलॉजी लिखी, जो कि पुनर्जन्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। दूसरा शोध बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सतवंत पसारिया द्वारा किया गया है। उन्होंने भी पुनर्जन्म पर एक किताब लिखी है, जिसमें 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी ही कहानियां पेश करने जा रहे हैं। ये घटना अप्रैल सन 1950 की है। यूपी के कोसीगला गांव के निवासी भोलेनाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी बीएल वार्षिणे के घर एक लड़के का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा कि मैं कोसी कला गांव में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है। ऐसा वह कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसी कला गांव ले गए। ये सन 1956 की बात है। कोसी कला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी, लेकिन उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पहले जन्म के पिता भोलेनाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पिछले जन्म की यादें पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलेनाथ जैन छत्ता गांव में गए। वहां उन्हें यह पता चला कि यहां प्रकाश नाम का कोई लड़का उनके मृत बेटे निर्मल के बारे में बातें करता है। ये सुनकर वह वार्षिणे परिवार से मिलने गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पहले जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। ये घटना आगरा में घटित हुई थी। यहाँ किसी समय पोस्टमास्टर पीएन भार्गव रहा करते थे, जिनकी एक मंजू नाम की बेटी थी। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही ये कहना शुरू कर दिया कि उसके दो घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी कि यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई
जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में पता चला कि चतुर्वेदी की चाची का देहांत सन 1952 में हो गया था। अनुमान ये लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम राजुल रखा गया। राजुल जब 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने ये बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजुल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजुल के दादा वजूभाई शाह को इन बातों का पता चला तो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1959 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी। वजूभाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजुल को लेकर जूनागढ़ आए। यहाँ राजुल ने अपने पूर्व जन्म के माता पिता और अनेक रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजुल ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपनी माँ के साथ पूजा करने जाया करती थी। मध्य प्रदेश के छत्रपुर जिले में एमएल मिश्रा रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता ये बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पिछले जन्म में अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों और चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले बिंदिया देवी नामक महिला की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। स्वर्णलता ने यहाँ तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बिंदिया देवी के घर वालों ने स्वर्णलता को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो बिंदिया देवी को मिला करता था। ये घटना सन 1956 में घटी थी। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने ये बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम शक्तिपाल था और वह मथुरा में रहता था। उसके 3 भाई थे जिनमें से एक ने उसे गोली मार दी। मथुरा में सुख संचारक कंपनी के नाम से उसकी एक दवाओं की दुकान भी हुआ करती थी। गोपाल के माता पिता ने पहले तो उसकी बातों को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराने पर गुप्ता जी ने अपने कुछ दोस्तों से पूछताछ की। जानकारी निकलने पर ये पता चला कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर कर दी थी। जब शक्तिपाल के परिवार को इसका पता चला कि दिल्ली में एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है तो शक्तिपाल की पत्नी और भाभी दिल्ली आई। गोपाल ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद गोपाल को मथुरा लाया गया। यहाँ उसने अपना घर, दुकान, सभी को ठीक से पहचान लिया, साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। शक्तिपाल के बेटे ने गोपाल के बयानों की तस्दीक की। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।